नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सरकारी जलसे में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की इज्जत का जुलूस निकल रहा है। वो प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने में कन्नी काटने लगे हैं। क्या गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को मोदी से डर लगने लगा है? ये मोदी की लहर का असर है या फिर कोई चुनावी चाल? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे। पीएम के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नहीं आए। रांची में पीएम के मन से हूटिंग पर सीएम सोरेन ने जताई नाराजगी। बोले सिस्टम से हुआ बलात्कार, भविष्य में मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने पर करेंगे विचार। जिस संघीय ढांचा का वो वकालत करते हैं, मुझे तो लगता है ये सिस्टम का बलात्कार। नागपुर और रांची में पीएम मोदी ने किए कई बड़े ऐलान। 500 शहरों में शुरू होगा सफाई अभियान। पटना, वाराणसी और गोरखपुर को पाइपलाइन से मिलेगी गैस। सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्यपालों को हटाने की लड़ाई। कोर्ट ने केंद्र से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी की याचिका पर हुई सुनवाई। एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को हटाए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री की सफाई, कहा योग्य नहीं थे इसीलिए हटाया। संजीव ने खुद को ईमानदार बताते हुए पीएम को लिखी थी चिट्ठी। इंदिरा गांधी के हत्यारों को कौन दे हीरे बताने वाली पंजाबी फिल्म कल नहीं होगी रिलीज। गृह मंत्रालय की आपत्ति के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लगाई रोक। असम के गोलाघाट में हुई फायरिंग की न्यायिक जांच के आदेश। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात के बाद सीएम तरुण गोगोई का ऐलान। श्रीनगर में सड़क पर संग्राम। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पुलिस से हुई झड़प। कानपुर में बिजली कटौती से भड़के लोग, सब स्टेशन में की तोड़फोड़। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा। आपस में भिड़े बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता। नरेंद्र मोदी और गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के रिश्तों में आई कड़वाहट की दो तस्वीरें एक ही दिन में सामने आई। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हूटिंग हुई, तो नागपुर में मोदी के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने दूरी बनाए रखी और वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाए। पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। गैर बीजेपी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकारी जलसों को बीजेपी की चुनावी रैली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस तो मोदी को प्रधानमंत्री पद की गरिमा का वास्ता भी दे रही है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को मोदी से डर लगने लगा है? क्या मोदी की लहर से बचने के लिए प्रोटोकॉल की दुहाई दी जा रही है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा हुआ। दो दिन पहले हरियाणा के कैथल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री हुड्डा को मोदी समर्थक भीड़ ने बोलने नहीं दिया। और गुरुवार को रांची में बिजली मंत्रालय के जलसे में मोदी भक्तों ने झारखंड के सीएम की बत्ती गुल कर दी। ये तब हुआ जब सोरेन को पहले से अंदेशा था और उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएमओ को चिट्ठी भेजकर गुजारिश भी की थी कि सोरेन के साथ हुड्डा जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी को मंच पर देखकर उनके समर्थक बेकाबू हो गए। वो मोदी के इशारे पर भी शांत नहीं हुए।
बेइज्जती का कड़वा घूंट पीने के बाद सोरेन ने भी मोदी को आड़े हाथों लिया और चेतावनी दे दी कि प्रधानमंत्री के साथ दोबारा मंच साझा करने से पहले वो अब हजार बार सोचेंगे। व्यवस्था की नई परिपाटी शुरू हो गई है और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। जिस संघीय ढांचा का वो वकालत करते हैं, मुझे तो लगता है ये सिस्टम का बलात्कार। भाजपा ने राजनीतिक मर्यादाओं, तहजीब और संस्कृति का आज की सभा में घोर उल्लंघन किया है। इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों ने अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार करना भी शुरू कर दिया है। गुरुवार को ही महाराष्ट्र में पीएम के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपनी जगह अपना प्रतिनिधि भेज दिया। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या मोदी की लोकप्रियता से डर रहे हैं गैर बीजेपी मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की होटिंग पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने समर्थकों से पद की गरिमा गिरा रहे हैं, तो बीजेपी इसे गैर बीजेपी सरकारों के प्रति जनता के गुस्से की मिसाल बता रही है। उस मंच को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का सवाल उठता नहीं, और अगर आप उस मंच को इस्तेमाल करोगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, दूसरे की बेइज्जती करने के लिए, ये बर्दाश्त से बाहर है। वो कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रमों का बाकी दूसरी पार्टियों को जो मुख्यमंत्री हैं उनको बेइज्जत करने, उनको नीचा दिखाने में उसके पर्पज से यूज कर रहे हैं। इन लोगों को, इन राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिन जिन राज्य के अंदर सरकारों का कुशासन है, उनकी पार्टी का भ्रष्टाचार है, वहाँ ये आक्रोश पब्लिक का उनको मिलेगा। दिलचस्प बात ये है कि पिछले 10 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं राज्यों में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है जहाँ चुनाव सिर पर है, और हर जगह मोदी के सामने मुख्यमंत्रियों को जनता ने दरकिनार किया। ऐसे में ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि मोदी की मौजूदगी में सरकारी कार्यक्रमों में चुनावी राजनीति हो रही है, या फिर ये मोदी की लहर है जिससे बचने के लिए अब गैर बीजेपी मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल की दुहाई दे रहे हैं। रांची में विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ी बहस का मुद्दा है, ये मोदी की लहर है, मोदी का डर है, या फिर जो गैर बीजेपी मुख्यमंत्री हैं उनका फेलुअर है जिसके चलते उनकी मोदी के सामने हूटिंग हो रही है। जो भी है, ये परिपाटी पहली बार शुरू हुई है देश के अंदर, और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और क्या मोदी की लहर इतनी पावरफुल है कि मुख्यमंत्रियों की उनके ही राज्य में उनके ही जनता के सामने हूटिंग हो जाए, इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी जुड़े हुए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी जनता दल यूनाइटेड के। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, एडिटर दोपहर सामना। लेकिन मीम अफजल साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये थोड़ा इतर है, और लेकिन सवाल ये कि नागपुर में आज पीएम के काफिले के अंदर 150 लोग घुसाए, कांग्रेस के विरोध करने का ये कैसा तरीका है? ये पीएम का सिक्योरिटी ब्रीच है, और सिक्योरिटी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। पृथ्वीराज चव्हाण नहीं गए, लेकिन 150 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काले झंडे के साथ अंदर भेज दिया, बिल्कुल पीएम के काफिले के अंदर। आपको नहीं लगता है सिक्योरिटी ब्रीच है, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जो किया वो गलत है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि कौन थे वो हमारे कार्यकर्ता थे, ये कौन थे। यही बात जब हम कहते हैं कि हरियाणा के अंदर और आज झारखंड के अंदर और गोरखपुर के अंदर भी, नागपुर के अंदर भी जो लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, वो कौन लोग थे? हम कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे।
एक सरकारी फंक्शन के अंदर इस तरह का काम करना किस हद तक जायज है। ये तो खैर आप बहुत छोटा सवाल पूछ रहे हैं, इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या फेडरल सिस्टम के अंदर इसकी इजाजत दी जा सकती है जो कुछ वहां हुआ। और इस बात पर भी तनकीद की जा रही है कि चीफ मिनिस्टर वहां नहीं गए, तो मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री के जलसे में और वो भी सरकारी जलसे के अंदर अगर चीफ मिनिस्टर की बेइज्जती की जाए तो कौन सा चीफ मिनिस्टर होगा जो जाना पसंद करेगा? अगर क्या मध्य प्रदेश में, क्या राजस्थान में मोदी जी जाएंगे तो क्या वहां के चीफ मिनिस्टरों के साथ भी यही सलूक होने वाला है? जरा जाएं हम देखें तो सही कितने पर नहीं। अफजल साहब, लोग तो कह रहे हैं वहां के जब चीफ मिनिस्टर खड़े हो तो मोदी मोदी के नारे लगाएं। हुड्डा साहब की तो वैसे ही हूटिंग होती है आजकल जहां भी जाते हैं हरियाणा में। वो तो देखिए, वो बात अपने तौर पर आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी अपनी राय हो सकती है, कुछ लोग कह सकते हैं। नहीं, मेरी राय नहीं है, इसके तो इसकी तो कई गवाही है। प्रधानमंत्री जहां जाएं, हो सकता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, हूटिंग हो रही है नहीं हो रही है। हम चुनाव हारे हैं, और अगर चुनाव हारे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी खत्म हो गई है। और मैं यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने दोस्तों से कि इतने गुरूर का मजाहरा ना करें, वो ये मगरूरियत बहुत अच्छी चीज नहीं है। कामयाबी हमने भी बहुत देखी है और उनके पास अभी नई नई कामयाबी आई है। एक बात ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि मोदी जी इतने पॉपुलर हैं, नारे लग रहे हैं, क्या राजीव गांधी से ज्यादा पॉपुलर हैं? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज्यादा पॉपुलर हैं? क्या नेहरू और इंदिरा गांधी से ज्यादा पॉपुलर हैं? क्या इंदिरा गांधी जी को अटल जी ने यह नहीं कहा था कि वो दुर्गा हैं? सर ये कैसे तय होगा? क्या उन्होंने किसी फंक्शन, आप मुझे बताएं, माजी के अंदर किसी फंक्शन के अंदर पहले कभी किसी प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन के अंदर, चाहे वो कितने भी पॉपुलर हों, कभी चीफ मिनिस्टरों की ऐसे बेइज्जती की गई है? जवाब ले लेते हैं रामेश्वर जी से। को जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसका बेहद बेहद नुकसान होने वाला आने वाले वक्त के अंदर। जवाब ले लेते हैं रामेश्वर जी, आप संघीय फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये करके, ये आरोप है कांग्रेस का। दीपक जी, कांग्रेस तो 60 साल तक राज की है, मालूम है कांग्रेस को कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें भी पता है, और फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान होना चाहिए, हो भी रहा है, हमें भी पता है। देखिए, यहां दो तीन चीजें हैं दीपक जी। एक तो मोदी जी के बारे में कोई आज नारे नहीं लग रहे हैं, चुनाव के समय भी लग रहे थे मोदी मोदी, एक इसको इसकी भाव को समझिए। ऑपोजिशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए ये हालात हुई। इनको ये समझना चाहिए कि इनका, जैसे आपने एक सही चीज कहा कि हुड्डा जी जा रहे हैं, हूटिंग हो रही है, यही बिहार में था आपका, आप लोग भी दिखाए हैं। आप चुनाव समझ रहे हैं तो हूटिंग होती थी, जूते सरकारी फंक्शन को भी आप चुनाव समझ कर जाते हैं। सुन लीजिए पहले, आप नीम अफजल साहब, नीम अफजल साहब पहले सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज जहां जा रहे हैं मोदी जी के नारे लग रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए कि प्रदेश में जनता इनके कितनी खिलाफ है कि लोकसभा में हारे, अभी विधानसभा के लिए नारे अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ लगा रही है तो वहां आम जनता आई है, वहां किसी पार्टी, नीम अफजल साहब से मैं सहमत हूं, पार्टी की जनता नहीं यही मानते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी पॉपुलर है उसके बारे में नारे लग रहे हैं मोदी मोदी, तो इसमें आश्चर्य नहीं है। आप यहां की बात कर रहे हैं, आखिर नेपाल में मोदी मोदी के नारे लगे कि नहीं लगे, ये तो समय के साथ चलता है। नीम अफजल साहब कभी इंदिरा जी के नारे भी लगते थे, लेकिन देखिए आप भूल गए कि इमरजेंसी में उसी इंदिरा गांधी पर लोग पत्थर भी फेंकने लगे थे, ये समय के साथ होता है। आज इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो नारे मोदी जी लग रहे हैं, तो ये बात तो आपको याद रखनी चाहिए, लोगों की अपेक्षा मोदी जी को समझना चाहिए, कभी कभी पत्थर भी पड़ते हैं बाद में। सुन लीजिए ना, हाँ ठीक है समझते हैं, हम सब समझ रहे हैं, समय का खेल है। मैं आपको यह बता रहा हूं, आज आपको यह समझना पड़ेगा कि मोदी जी से लोग अपेक्षा कर रहे हैं, मोदी जी को बनाए हैं, मोदी चिल्ला रहे हैं, उनको भी 24 घंटे बिजली चाहिए, वो चाहते हैं। आप एक पहलू देख रहे हैं, आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं नीम अफजल साहब, कि जहां जहां चुनाव है वहां वहां पार्टी में, आपके पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टियों को छोड़ करके आखिर बीजेपी का दामन थामने का होड़ क्यों लगा है? क्योंकि जनता मालिक है, ये कहकर के आप जनता का अपमान कर रहे हैं कि जनता हूटिंग कर रही है या मोदी के नारे लगा रही है। जनता मालिक है इस देश में, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि आखिर महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, जनता ने इतनी मेजोरिटी दी है तो मोदी जी से अपेक्षा ज्यादा है, जनता उनसे अपेक्षा की मांग चाहती है। लेकिन रामेश्वर जी लग रहे हैं कि यहां भी हमारी सरकार आ गई बीजेपी की, पहले सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार यहां भी आ गई, लोगों की अपेक्षा है कि और अच्छे काम होंगे। आखिर ये आपको समझना पड़ेगा अपने गिरेबान में झांक के कि आपके मुख्यमंत्रियों के खिलाफ क्यों नारे लग रहे हैं, उनके प्राइवेट अलग मीटिंग में भी नारे क्यों लग रहे हैं, सिर्फ मोदी जी के मीटिंग का क्यों दुहाई दे रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसे ही किए होते। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आखिर गुजरात में आपके प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या मोदी जी की हुटिंग नहीं होती हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, ये परिपाटी नहीं शुरू हुई थी देश के लिए, जनता खुश थी। आपको नहीं, नहीं सुन लीजिए दीपक, ये परिपाटी नहीं है, जनता इनके मुख्यमंत्रियों से इतनी नाराज है, इनके काम से इतनी नाराज है, कुछ नहीं किए हैं उसका ये प्रतिकार कर रही है जनता। इस चीज को समझना चाहिए इनको, इस चीज को समझना चाहिए। केसी त्यागी जी गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। केसी त्यागी जी, हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये संघीय ढांचे के साथ बलात्कार जैसा है, आप इसको मानते हैं? दीपक, बहस जो है वो गलत दिशा में जारी है और उसमें थोड़ा सा इजाफा आप भी कर रहे हैं ये कहकर के कि क्या मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हो गए हैं। 50-60 साल से जो स्थापित परंपराएं रही हैं उसका मैं थोड़ा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जाते थे, अधिकतर कांग्रेस के ही थे, थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता था, डिफेंस की किसी इकाई का होता था, ब्रिज का होता था या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का होता था, मुख्यमंत्री उनको रिसीव करते थे, उसके बाद एक आध किलोमीटर की दूर पर पार्टी की सभाएं होती थी और प्रधानमंत्री उसमें जाते थे, कन्फ्रंटेशन नहीं होता था। दीपक, ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड हो गया है और दोनों के लिए ही है ये, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की सभाओं का बहिष्कार, उद्घाटन का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से रिसीव करना चाहिए और प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के लोगों को स्थापित परंपराओं को मानना चाहिए कि जब उद्घाटन हो रहा है उस समय पार्टी का झंडा लेकर के, नंबर वन। नंबर दो, पार्टी के नारे और अपने नेता के नारे ना लगा करके शांत रह करके उस कार्यक्रम को देखना चाहिए और आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर तक जा करके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की सभा करनी चाहिए। देखिए, इससे होगा क्या, प्रधानमंत्री जाएंगे, उनकी लोकप्रियता और सारी चीजें मैं मान लेता हूं, और आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर तक जा करके पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की सभा करनी चाहिए। देखिए, इससे होगा क्या, प्रधानमंत्री जाएंगे, उनकी लोकप्रियता और सारी चीजें मैं मान लेता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का संघीय ढांचा हमारे संविधान विशेषज्ञों ने बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है राज्य के प्रमुख के नाते, उसका स्वागत करना भी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र के मुखिया के रूप में कोई कार्य ऐसा ना हो जाए कि सेंटर स्टेट रिलेशन में खराबियां हो, जैसे राज्यपाल के पद का 60 साल तक दुरुपयोग करके होता रहा, तो नई परंपरा हम न डाले। मैं कोई ऐसी खराब टिप्पणी किसी के लिए नहीं करना चाहता, लेकिन ये परंपरा अच्छी नहीं है, लोकप्रियता के भी ये मायने नहीं है कि जहां मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है देश का नेता कैसा हो फला फला जैसा नारे लगे, तो इससे राज्यों में और केंद्रों में टकराव बढ़ेगा। आप सब राज्यों में सरकार बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जनता चाहेगी, जिसको पिया चाहे वही सुहागन, लेकिन जो स्थापित परंपराएं हैं भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय संविधान की, उसको मुख्यमंत्री भी निभाएं बहिष्कार ना करके, और प्रधानमंत्री भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो जा रहे हैं तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह में कोई ऐसा कार्य ना करें कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कोई कटता दिखाई दे। अवधेश कुमार जी, आपको लगता है जिस तरह से हेमंत सोरेन ने आज कहा कि ये संघीय ढांचे के साथ बलात्कार है, क्या वाकई ये बलात्कार हुआ है संघीय ढांचे? जी, मैं इस पर एक मिनट रामेश्वर जी, मैं आ रहा हूँ, मैं बोल लूँ। असल में देखिए, ऐसा है कि संघीय ढांचा को, हर घटना से संघीय ढांचा को जोड़ना, एक सभा में मोदी मोदी के नारे से संघीय ढांचा का टूट जाना, तब तो हमारे पास संघीय ढांचा है ही नहीं। देखिए त्यागी जी, नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं? मैं इसको साबित करूंगा। त्यागी जी जो बोल रहे हैं वो एक बहुत आदर्श बात है और होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में व्यवहार की मर्यादाएं हैं। जो थोरो ने पैसिव रेसिस्टेंस दिया या गांधी जी ने सत्याग्रह दिया विरोध करने का, उसमें विरोधियों के प्रति भी एक मर्यादा, एक सीमा है, जिसका पालन न कैथल में हुआ है, जिसका पालन रांची में हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मोदी जी को लेकर के देश में जो आक्रामक समर्थन पहले था, मुझे लगता है वो आक्रामक और उन्मादित समर्थन अभी भी विद्यमान है।
लेकिन कोई ये कहेगा कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ये करा रही है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। हर घटना के पीछे उसकी सोच देखनी पड़ेगी, उसका कारण देखना पड़ेगा। जैसा आपने स्वयं कहा, यह सच है कि इस समय मैं आपसे दीपक जी पूछता हूं, क्या होयमंत सोरेन झारखंड के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं? क्या उनके नाम पर वहां की जनता ने वोट दिया था? क्या पृथ्वीराज चौहान चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए मतदान दिया था? क्या कांग्रेस में पृथ्वीराज चौहान जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है उसके हिसाब से बनाया गया है उनको, इसीलिए जो भारतीय संविधान की व्यवस्था है उसके हिसाब से बनाया गया है उनको, उसी के हिसाब से बनाया गया है। पृथ्वीराज चौहान केंद्र द्वारा थोपे गए मुख्यमंत्री हैं जिनका वहाँ प्रदेश में विरोध हो रहा है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था वैसी की वैसी ही है कि जनता के बीच लोकतंत्र, लेकिन संविधान की व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया है अवधेश जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था से बनाया गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव ने उनकी अलोकप्रियता साबित कर दी है। तो ये दो स्थितियां हैं इस समय, एक तो मुख्यमंत्रियों की अपनी लोकप्रियता, मोदी जी को लेकर के जो उन्मादित समर्थन है जो भविष्य में भाजपा के लिए भी खतरनाक हो सकती है वो चल रहा है। अब ये सोचना पड़ेगा कि इस समय जो नई पीढ़ी है इसी प्रकार का राजनीतिक व्यवहार करने का अभ्यस्त हो चुकी है, उसको कैसे ठीक किया जाए अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने जो फैसला लिया है देखिए ये तीन दृष्टियों से गलत है। पहला तो मैं ये मानता हूं, त्यागी जी बार बार हाथ उठा रहे प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, ये राजनारायणवादी है। राजनारायण जी के सभाओं में कांग्रेसी हमला करते थे, क्या राजनारायण जी ने सभा करना बंद कर दिया? चंद्रशेखर जी की सभाओं पर हमला होती थी, जेपी के सभाओं पर कांग्रेसी हमला करते थे, क्या उन लोगों ने मुरारजी भाई को मार के पूरा शरीर का अंग भंग कर दिया गया उसी मुंबई में? क्या मुरारजी भाई ने छोड़ दिया था या नहीं छोड़ा था? कांग्रेसी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उनको जनता का सामना करना चाहिए, मोदी के सामने जाके अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन चूंकि कोई भी मुख्यमंत्री भाषण के सामने मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, जनता मोदी के पक्ष में खड़ी हो जा रही है, इसीलिए यह पतली गली से निकलने का रास्ता बताया है जो भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। 5 साल इस सरकार को रहना है कि आप 5 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसी प्रकार से बहिष्कार करके देश को चलने देंगे? क्या कीजिए अवधेश जी, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। कल अगर यही घटना पश्चिमी बंगाल में होगी, कल अगर यही घटना जो है उड़ीसा में होगी, कल अगर यही घटना तेलंगाना में होगी, कल अगर यही घटना तमिलनाडु में होगी, और अगर कल अगर यही घटना अगर मुलायम सिंह जी तय कर लें किसी कार्यक्रम में ये उत्तर प्रदेश में होगी, तो इससे संबंध खराब हो गए। जो शासक दल होता है उसका कर्तव्य है समाज के अंतर विरोधों को बढ़ने से रोकना। आज नरेंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी शासक में है, अपनी तरफ से कुछ नए काम ऐसे मत कीजिए कि पुरानी परंपराएं खराब हों। लोकप्रियता अवधेश जी और भी बहुत लोगों की रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीच का एक रास्ता हो सकता है कि मैं मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार के पक्ष में नहीं, वो भी अमर्यादित आचरण है, लेकिन क्या किसी राज्य के आज मान लिया अलोकप्रिय भी हो गया, मैंने आपकी बात मान ली चुके, ऐसा है कि वक्त तो रोज बदलता है देश, हम 50 साल से देख रहे हैं, हमने माइक्रोस्कोप से भी चीजें देखी हैं, लोकसभा में कोई है कि नहीं है, इन चीजों को छोड़िए आप, लेकिन जो स्थापित परंपरा ये है कि प्रधानमंत्री गया, मुख्यमंत्री ने रिसीव किया, दो फीता काटा, उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में चला गया, दर्जनों प्रोग्राम में हम रहे। एक बार मेरठ का मैं आपको बताऊं, मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ मेरठ गया, अजीत सिंह जी केंद्र सरकार में मंत्री थे, नरसिंहा राव जी गए, मैं और मुलायम सिंह जी एक कमरे में 1 घंटे तक बंद रहे, ना तो अजीत सिंह जी ने हमें बुलाया ना केंद्र वालों ने बुलाया, लेकिन क्या अगर मुलायम सिंह जी मैनपुरी में चाहे, इटावा में चाहे, या कहीं चाहे, इस तरह के कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मेरा डिसएग्रीमेंट नहीं है, मेरा खाली ये है कि परंपराओं को नई तरीके से हम ना और बढ़ावे, समाज के अंदर वैसी 20 तरह के अंतर विरोध मुंबई खड़े हैं, एक नया और सेंट्रल स्टेट का हो जाए, और एनडीसी की मीटिंग बुला करके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुला करके इसमें आचार संहिता तय करो कि पार्टी के झंडे लेकर के क्या मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में जाना किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए अच्छा है? क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देश का नेता कैसा हो कि नारे लगना क्या अच्छा है?
इसलिए सभी को अपनी मर्यादाओं के दायरे में रह करके आचरण करना चाहिए। ये मेरा किसी के विरुद्ध टिप्पणी नहीं है। नहीं नहीं, आप प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, दीपक जी, दीपक जी एक जवाब जी, प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे। त्यागी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या इस समय राजनीतिक दलों में जनता या कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की वो स्थिति है कि आपके हमारे या किसी के कहने से कार्यकर्ता उतने अनुशासित हो जाए कि वो झंडा लेके ही नहीं आएंगे? कैसे आप रोकेंगे उनको? सवाल तो ये है। और आपकी बात से एक जो केवल उसमें निगेटिव प्वाइंट आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सब नरेंद्र मोदी और भाजपा के द्वारा हो रहा है। मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये स्थिति इस समय देश की बन गई है। आपने 10 सालों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को राजनीतिक दुश्मनी, राजनीतिक घृणा और ईर्ष्या में बदल दिया है। आपके मुख्यमंत्री ने भोजन देकर के और एक नरेंद्र मोदी के रहने से उसका बहिष्कार कर दिया। उससे आप मर्यादित और घटिया व्यवहार कुछ नहीं हो सकता है। तो जो कुछ हम लोगों ने बोया है राजनीति में, उसका फल हमको काटना ही पड़ेगा। लेकिन मैं केवल कांग्रेस के लिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के लिए यह आत्मघाती निर्णय है। वो अपनी बात रखने से वंचित हो रही है। जहां तक आप कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति बन जाए कि मुख्यमंत्री फीता काटे और आप जाके सभा करिए, वो अलग हो जाए, तो ये भी एक राजनीतिक दुराव का ही जो है कि शुरुआत होगी। बिल्कुल इसमें भी राजनीतिक एकता की बात नहीं होगी कि विपक्ष और पक्ष साथ मिलकर के देश के लिए काम करे। इसलिए इसमें और आगे सुधार और सोचने की जरूरत है। बिल्कुल अवधेश जी की बात को आगे बढ़ाएंगे, प्रेम शुक्ला जी से बात करेंगे, रामेश्वर जी से जवाब लेंगे कि प्रधानमंत्री चुन कर उन्हीं राज्यों में उद्घाटन क्यों कर रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद, गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को मोदी से डर लगता है, इसी बात पर चल रही है हमारी बड़ी बहस और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मोदी जी चुन कर उन्हीं राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र पर कुछ खासे मेहरबान हैं वो। आपको नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री के लिए क्या है शोभा देता है कि वो सिर्फ उन्हीं राज्यों में जाए, वहीं पर फीते काटे जहां पर पहले चुनाव होने वाले हैं? आपको नहीं लगता उनको देश को एक ही नजर से देखना चाहिए पूरी? मुझे लगता है कि पिछले 62 वर्षों में जो हमारे प्रधानमंत्री हुए और जिस तरह के चुनाव हुए हैं, ये कोई मुझे लगता है कि पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जिन राज्यों में चुनाव घोषित होने की संभावनाएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्रियों ने चुनाव जहां आसन्न है उन राज्यों में परियोजनाओं के उद्घाटन के कार्यक्रमों में स्वयं को शरीक किया है। ये कोई पहली बात नहीं है। दूसरी बात, संघीय ढांचे पर प्रहार की बात चल रही है कि दो जगह पर कहीं नारे लग गए। नारे किसने लगाए अभी ये निश्चित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये नारे लगाए गए, ये अभी इसके किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं है। किंतु कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को काले झंडे लेकर प्रधानमंत्री के कन्वॉय में भेज दिया और उनके बहिष्कार की घोषणा कर दी और यह कहकर कर दी कि इसे संघीय ढांचा जो है वो खतरे में आ गया है। संघीय ढांचा तब खतरे में आना चाहिए जब 1957 में जो है आप केंद्र की सरकार, पहली बार कोई कम्युनिस्ट सरकार चुनी जाती है केरल में और उसको भंग कर देती। से लेकर 90 के दशक तक एक दो नहीं दर्जनों राज्य सरकारों को जब भंग कर दिया जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित सरकारें हैं जिनका कोई दोष नहीं है, धारा 300 अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाता है, तब जब ये संघीय ढांचा किसी तरह से संवैधानिक रूप से ध्वस्त नहीं हुआ तो सिर्फ नारा लगा देने भर से, वो भी किसी जनता द्वारा नारा लगा देने भर से संघीय ढांचा ध्वस्त हो जाएगा। कोई कैंसर से नहीं मरेगा, ठीक आ जाएगी मर जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं आप। और कांग्रेस को हुआ क्या है? उसका मानसिक इलाज कराए जाने की आवश्यकता है उसके नेतृत्व की? वो किस तरह के तर्क दे रहे हैं वो कि आपके पास अभी इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ये किसी की प्रेरणा से नारेबाजी हो रही है। किसी भी समारोह में किसी नेता के खिलाफ यदि नारेबाजी हो सकता है उसके नेतृत्व की, वो किस तरह के तर्क दे रहे हैं वो कि आपके पास अभी इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि ये किसी की प्रेरणा से नारेबाजी हो रही है। किसी भी समारोह में किसी नेता के खिलाफ यदि नारेबाजी हो जाती है तो क्या लोकतंत्र में अनपेक्षित है ये? नहीं, प्रेम शुक्ला जी, वो लोग बीजेपी का झंडा बैनर लेकर आए हुए थे, ये तस्वीरें देख लीजिए, बीजेपी का झंडा बैनर था उनके हाथ में। नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर प्रतिबंधित तो नहीं है ना? आप कह रहे हैं साक्ष्य नहीं है कार्यक्रम में, आप कह रहे हैं साक्ष्य नहीं है? नहीं, साक्ष्य नहीं, अभी जो इसमें जो कैथल में हुआ था उसे मुझे झंडा किसी के हाथ में नहीं दिखाई दिया। मैंने रांची वाली अभी तस्वीरें देखी, कैथल की तस्वीरें, हो सकता है कि मुझसे ये
आप देख नहीं पाए कैथल की तस्वीरें हैं। सिद्ध कहाँ हुआ है? नहीं तो कोई कोई नरेंद्र मोदी ने निर्देश तो नहीं दिया था, ये भी तो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ये देखिए झंडा दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, दिया था कि सारे पार्टी के। नहीं ठीक है, मैं अभी भी आपका स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं देखकर जरूर बताता इस पर। मैं कह रहा हूँ फिर भी ये कहाँ से आप सिद्ध करेंगे कि प्रधानमंत्री निर्देश दिया था और प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में पार्टी के लोग नहीं आएंगे? अरे मनमोहन सिंह के कार्यक्रम होते थे, सोनिया गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते थे, कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तक नहीं लेता था। तब क्या संवैधानिक ढांचा नहीं चरमराया इस देश का कि जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें प्रधानमंत्री के नाम किया का नारा लगाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता था और उसी के समक्ष जो है पार्टी के नेताओं के नारे लगाए जाते थे? संवैधानिक ढांचा तो उस समय भी खतरे में था कि आप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर जो बैठा व्यक्ति था उसको सम्मान उसी की पार्टी के लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। अफजल साहब से पूछ लेते हैं, अफजल साहब क्यों नहीं हुआ? अफजल साहब यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि भाई आपका राज्य है, आपके मुख्यमंत्री हैं, अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ता लेकर आ सकते हैं तो ये कार्यक्रम तो राज्य सरकार से संबंधित भी है, राज्य सरकार के लोग यानी कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ता लेकर आ सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए ये बात सही है आप जो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के अगर आए थे तो कांग्रेस के भी आ सकते थे और वो भी अगर उसी तरह से नारे लगाते तो स्थिति क्या होती, शायद हम दूसरा डिस्कशन कर रहे होते यहाँ पर बैठे हुए और उस वक्त ज्यादा भयानक स्थिति होती। मेरे ख्याल में उन्होंने ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत दिया कि उन्होंने जैसे को तैसा करने की बजाय पूरे देश को दिखाया कि इनका रवैया कैसा है। मैं जो बात अभी सुन रहा था प्रेम शुक्ला जी की भी और अवधेश जी की भी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनकी नज़र में कोई खास बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी बहुत पॉपुलर हैं और वो पॉपुलर हैं तो उनको नारे आवाम अगर लगा रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ये कहना है जो मैंने नहीं कहा, त्यागी जी ने कहा कि अगर आपको नारे लगवाने का इतना ही शौक है, अगर इतना ही शौक है तो एक सभा अलग से कर लेते, सरकारी खर्चे पर सियासत क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। साहब सरकारी अफसर सरकारी कार्यक्रमों में सोनिया और राहुल के नाम पे नारे क्यों लगवाए आपने? 10 वर्षों तक आपने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि सरकारी खर्च पर सोनिया और राहुल के नाम पे क्यों नारे लगे? सोनिया जी के नाम की तस्वीरें क्यों प्रकाशित हुई? कौन थी वो? देखिए संवैधानिक पद पर बैठी थी? आप कौन सी बात कर रहे हैं, किस वक्त की बात कर रहे हैं? अगर सोनिया जी वहां होती है, मैं आपसे नहीं, पार्टी के लोग आते थे कि नहीं और नारा लगाते अगर मुझे थे कि बीच नहीं? में टोकेंगे तो मैंने तो टोका नहीं आपको, मैंने तो आपको टोका नहीं। किसी भी संवाद की शोभा ही बढ़ाता है मीम साहब, प्रतिप्रश्न करना ये किसी भी संवाद की शोभा बढ़ाता है, इसको सफाई सफाई। तो मैं ये पूछूं आपसे कि आप माजी की किसी जी, अगर माजी में किसी ने कोई गलती की है उसकी वजह से आज की गलती का जवाब पैदा करें और कहें कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं चूंकि पहले ऐसा हुआ था, तो ये तो कोई तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। पहले वो गलती है ये तो तय हो जाए, अगर ऐसा कहीं हुआ और आप उसको गलत समझते हैं तो आज उसको कैसे सही कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप बताइए, हमारे देश में एक 62 नहीं, नहीं हम तो कह ही रहे हैं देश में प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है। सत्ता तंत्र की एक परंपरा है, सत्ता तंत्र की यह परंपरा थी कि नहीं थी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में पार्टी के लोग निमंत्रित होते थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं थी। चीफ मिनिस्टरों को जलील किया जाए ऐसा कभी परंपरा नहीं रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जलसे में अरे एक दो बार नहीं 50 बार ऐसे उदाहरण के खिलाफ नारे लगाए, कांग्रेस ही प्रधानमंत्री के कांग्रेसी मुख्यमंत्री को दलील दिया गया। आप मुझे ये बताइए आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीफ मिनिस्टर के राजीव जी किसी पद पर नहीं थे, और इंडिया तिवारी को उत्तर प्रदेश में अपमानित किया गया था। राजीव जी किसी पद पर नहीं थे, आप मुझे ये बताइए अपमानित किया गया कौन सा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ? आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजीव जी प्रधानमंत्री थे और एन टी रामा राव को आंध्र प्रदेश में अपमानित किया गया। आपके यहाँ ये परंपरा नहीं है, आप बस पहली बार आपको वोट पीने कौन से सरकारी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 1985 प्रधानमंत्रित्व काल में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
आप लोगों की आदत है अपमानित किया गया पॉइंट को रखने के लिए आप सीधा सीधा गलत बयानी से काम लेते हैं। आपको संदर्भ मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कोई आप गलत बयानी कर रहे हैं बिल्कुल। मैं एकदम संदर्भ आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। संदर्भों को आपको भेज सकता हूँ। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं आप। आप एक गलती को गैर सही करने के लिए और अपनी हवाले देते करते थे। आप गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। संजय गांधी ने आपसे पूछा डॉक्टर नेहरू आप कहिए तो भी किसी के जलसे में कभी किसी चीफ मिनिस्टर को अपमानित किया गया हो तो बताएं सरकारी प्रोग्राम कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री को अपमानित किए जाने की एक दो नहीं दर्जनों घटनाएं कांग्रेस के प्रधानमंत्रित्व काल में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। दर्जनों घटनाएं इतिहास में दर्ज है। दीपक जी कल मैं आप बहस जो कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि आप कायदे से बहस कर रहे हैं। आप कायदे से बहस नहीं कर रहे। चलिए चलिए इस विषय से आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, रामेश्वर चौरसिया जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच अगर निजी रंजिश होगी तो जो खुद मोदी साहब कहते हैं कि राज्यों को मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को तालमेल बनाकर काम करना होगा। रेड फोर्ट से उन्होंने कहा, कई जगहों से उन्होंने कहा कि राज्यों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसा कैसे हो पाएगा अगर निजी रंजिश इस तरह से मुख्यमंत्रियों के साथ बनती रहे तो? तालमेल बनाएंगे, कहना कुछ और करना कुछ। देखिए दीपक जी, पहले ये समझ लीजिए कि यही मुख्यमंत्री जब जाते हैं अपने प्रदेशों में, मैं वहां से शुरू करता हूं, कुछ वही लोकल विधायक मंच पर आते हैं, विधायकों के खिलाफ नारेबाजी होती है, मुख्यमंत्री की जयकार होता है, ये भी होता है। तो क्या मुख्यमंत्री प्रदेश में जाना या विधायक जाना छोड़ देते हैं? अब सवाल यहां ये पैदा होता है, झंडे की बात कर रहे हैं, कैथल में बाकी जगह सरकारी कार्यक्रमों में कोई पार्टी इंस्ट्रक्शन देती है झंडे लेके नहीं जाना है। आम जनता आती है, जनता में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, सब जनता आम पब्लिक ही आती है। अगर उत्साही कुछ झंडे दिखा दिए निकाल करके, वो अलग विषय है, झंडा कहीं मंच के आगे पीछे तो नहीं लगाया गया था, ये देखिए। दूसरी बात, झारखंड की आज हम बात करें, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने हाथ उठा करके लोगों को शांत किया, इशारा किया, लेकिन ये लोकतंत्र है, आप जो बहस करा रहे, लोग बोल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र में ये लोग जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भैया, जनता नारे लगा दी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को कहने का पूरा समय मिला, मुख्यमंत्री अपनी बात कहे। एक मैं उदाहरण देता हूं त्यागी जी, आपको जो आप बोल रहे थे 2010 के पहले 9 में हमारे यहां एक आईटीआई का उद्घाटन था, हमारे जिले में सारे विधायक गए थे, मुख्यमंत्री वहां थे, आपके सभी विधायकों के खिलाफ नारे लगने लगे। जब मैं खड़ा हुआ तब मैंने सभी सरकारी योजनाओं का जब बखान किया तो वही उसी मंच पर तालियां भी बजने लगी। मैं ये कह रहा हूं आपको कि अपनी अगर अचीवमेंट है तो आप बखान कीजिए, लोग ताली भी बजाएंगे। आप दो चार नारे से इतने संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है, ये तो बात मुझे भी मेरे समझ के परे है। और मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं कि आपने जो झंडे की बात की, आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कैथल में झंडे नहीं थे, उनके लोग थे, मुख्यमंत्री को पूरा बोलने का मौका मिला, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे थे, ऐसी योजनाएं वो बताए होते तो वहीं ताली भी बज सकती थी। जनता भोली होती है, जनता ताली बजाती भी है, लेकिन आपने जो किया है, जो बोया है, उसको तो काटना पड़ेगा। और जहां तक बात चुनावी प्रदेशों की है, आप ये बताइए कि एक कौन सी नई चीजें हैं कि चुनाव की घोषणा होनी है तो वहां उद्घाटन जो चीज तैयार है, पहले हर मुख्यमंत्री हर प्रधानमंत्री करता है साहब। अब बाकी अभी तो 2 ही महीने बचे हैं, जब चुनाव आचार संहिता बाकी जगह तैयार होगा वहां भी प्रधानमंत्री जाकर उद्घाटन करेंगे, वहां भी जाकर के शिलान्यास करेंगे, ये कौन सी नई बात है? आखिर जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां की जनता को कुछ सौगात तो दे रहे हैं। आज इस पर सीधे आरोप प्रधानमंत्री और पार्टी पर लगाना सही नहीं मैं मानता हूं। ये कह करके आप लोग जनता का अपमान कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। ये सारी जितने लोग कह रहे हैं उस समय कोई अलग बात भिन्न नहीं कह रहा हूं, और उनकी बातों को काट भी नहीं रहा हूं। संघीय ढांचा की मर्यादा है, रहनी भी चाहिए, लेकिन इससे संघीय ढांचा पर कहां प्रहार हुआ? जनता नारे लगा रहा। हां, बीजेपी के नेता अगर मंच से नारे लगाए होते, मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिए होते, बीजेपी का सांसद लगाया होता, इस बात को मैं समझ सकता था। आप अटैक किस पर कर रहे हैं? आप तो जनता पर अटैक कर रहे हैं। अरे जो काम जनता कर देगी, जो काम आपके कार्यकर्ता कर देंगे, वो नेता क्यों करेगा भाई? जनता से बहुत सारे काम करवाए भी जाते हैं चौरसिया जी, इसको कार्यकर्ता बहुत सारे काम करवाए भी जाते हैं जनता से। कार्यकर्ता पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ
हम जानते हैं आपका तरीका बहुत अच्छी तरह से। नीम अफजल साहब, देश ने देखा है आपका तरीका क्या है, पिछले चुनाव में आपने क्या क्या किया है, देश जनता अच्छी तरह से कामयाबी से बुराइयों को ढका नहीं जा सकता। वही जनता जयकारा लगाती थी, लेकिन इमरजेंसी में वही जनता कामयाबी हासिल होने के बाद हर चीज को ढका नहीं जा सकता। सवाल इस कामयाबी का नहीं है, आप कामयाबी हासिल बुराइयों को ढकने की कोशिश मत कीजिए ना, फिर आप वही गलती आप भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए नीम अफजल साहब, आप फिर वही गलती कर रहे हैं। उस समय भी आप लोग जनता का अपमान कर रहे थे, मैं बार बार चैनल कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इतने उदारवादी और इतने का अपमान मत कीजिए, इतने उसमें मुझे दिखाई नहीं देते कहीं दूर दूर तक। नीम अफजल साहब, आपने 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 जो मोदी जी की सभा हुई थी, जो नॉमिनेशन हुआ था, उस पर इतने आपने सवाल उठाए थे, आप भी उठाए थे। मैंने बोला था कि ये जन सैलाब है, जनता के खिलाफ आवाज मत उठाइए, आप ये आवाज उठा करके जनता का अपमान कर रहे हैं। या भाजपा या सरकार नहीं है, मोदी जी की तो महानता है कि लोगों को उन्होंने चुप कराया, पार्टी के लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं। आपके तरीका कार है, सरकारी कार्यक्रम, आपके तरीका कार को कह रहे हैं हम जनता का अपमान नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते। अच्छा, कैथल में और आप अगर जनता का अपमान करेंगे तो कैथल में आपकी सरकार है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में क्यों नहीं आ रहे हैं? नागपुर पे आपकी सरकार है, 15-13 लोग लेके काला झंडे दिखा रहे हैं, आप भी ला सकते थे। मैं इस बात का बिल्कुल विरोध में हूँ कि किसी मुख्यमंत्री को ऊट किया जाए। जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? नहीं नहीं, या ये पत्रकार हैं? नहीं नहीं, पत्रकार है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है? देखिए यही बात, पत्रकार है वो, पत्रकार है वो। पहले भी यही बात बोल रहे थे और पहले भी मैंने जवाब दिया था, फिर आपको बैठ जाए तो ज्यादा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिए, मैं क्या हूँ छोड़ दीजिए, मुझे देश जानता है और आपसे कम नहीं जानता है। चौरसिया गुजारिश करूंगा, नहीं अपना प्रवक्ता बना लो, आपसे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा लोग मुझे देश में जानते हैं। आज भी आप कांग्रेस में नहीं हो तो आपको कोई जाना नहीं। कह रहा हूँ आपको, नहीं मानता मैं, नहीं लेकिन आपको मैं बीजेपी का प्रवक्ता मानता हूँ। करते हैं कैसे, क्या करेंगे आप? मैं बोलूँ क्या? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा, आप जिस तरह बोलते हैं उससे साफ पता लगता है आप क्या है। आपने सुना ही नहीं पूरे इलेक्शन में, आपने सुना ही नहीं है। मैं जानता हूँ आपको अच्छी तरह से, मेरे को अपनी बात करने का अधिकार है। हमने बहुत नहीं बन जा रहे, आप क्या सुनाओगे? हम सुन रहे हैं आपको बराबर। जिस दिन बेहतर स्थिति में रहूंगा, आपकी तरह नहीं रहूंगा, आपसे ज्यादा बेहतर स्थिति लिखवाइए। भारतीय जनता पार्टी के अनऑफिशियल प्रवक्ता का नहीं, नहीं तो आपकी तरह प्लीज दोनों से गुजारिश, व्यक्तिगत नहीं, जनता पार्टी के अनऑफिशियल प्रवक्ता व्यक्तिगत नहीं, दोनों ने अटैक किया गलत तरीके से, जबकि मैं इसकी आलोचना कर रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं, मैं आप पर कोई हमला नहीं कर रहा, मेरी जो राय है वो दे रहा हूँ। तो आपकी राय क्या? आपकी राय दे रहा हूँ, आप क्या मेरे बारे में राय दे, आप क्या है? आपको इस देश में नहीं, अध्यक्ष जी प्लीज मेरे चाहने वाले हैं, चले जरा जाए प्लीज। मुझे राजनीति करनी होती आपको मालूम ही नहीं है। मैं पिछली बार भी आपको कहा था कि मेरे पर हमला करेंगे उतना ही वोट आपका घटेगा, क्योंकि मेरे प्रति भी किसी भी नेता से ज्यादा लोग मेरे प्रति प्रेम, मेरी प्रति श्रद्धा और सम्मान पूरे भारत में रखते हैं। मैं आप नेता बनने की कोशिश ना करें, अगर नेता बनना है तो बाकायदा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिक्स के मैं पत्रकार रहा हूँ, इस देश में आपको अगर शौक है पॉलिटिक्स का तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिक्स आपकी आवाज बहुत ऊंची है, मुझे मालूम है, उनका जवाब तो दे दो। आवाज बहुत ऊंची है अफजल साहब, इनको आप भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिक्स से केवल देश नहीं चलती है, और आपके जैसे नेताओं ने ही कांग्रेस का सत्यानाश भी करा दिया, प्रवक्ता बन के ऐसे ही पत्रकारों पर, हमारे जैसे ईमानदार लोगों पर हमला करके। मैं आप क्या हमको सिखाएंगे? आपको ही चलती है, और आपके जैसे नेताओं ने ही कांग्रेस का सत्यानाश भी करा दिया, प्रवक्ता बन के ऐसे ही पत्रकारों पर, हमारे जैसे ईमानदार लोगों पर हमला करके। मैं आप क्या हमको सिखाएंगे? आपको कितने दिन हुए हैं और आप किस तरह से विश्लेषण करते हैं? नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, मैं और सारे देखने वाले जानते हैं। मैं जो विश्लेषण आपको सारे जज बोलते हैं, प्लीज प्लीज नहीं हुआ। मैं थोड़ी अपनी राय दे रहा हूँ, प्लीज राय है,
प्लीज मैं अवधेश जी को भी चुप करा रहा हूँ, प्लीज बहस को आगे बढ़ाते हैं। त्यागी जी, त्यागी जी माहौल थोड़ा गर्म हो गया था, मैं दोनों से माफी मांगता हूँ इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत हो गए थे। मेरे से माफी की जरूरत है, लेकिन जिस भाषा में बात करेंगे उत्तर उसी भाषा अच्छा, में ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी। मंच में इस देश के ऐसे पर्सनालिटी नहीं है कि जिनका बहुत बड़ा सम्मान हो जाए। तो बहुत बढ़िया भाषा बोलते हैं, किस तरीके से आप कांग्रेस। अच्छा अवधेश जी प्लीज, अवधेश जी प्लीज प्लीज। केसी त्यागी जी, क्या आप जीतन राम मांझी को कहेंगे कि वो मोदी के साथ मंच साझा करें या ना करें? केसी त्यागी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है हेलो जी त्यागी जी, क्या आप जीतन राम मांझी से कहेंगे कि वो मोदी के साथ मंच साझा करें या ना करें? देखिए वो बहस जो है मैं पहले से इससे डिसएग्री करता हूं। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप सभी मुख्यमंत्रियों को उनके स्वागत के लिए रिसीव करने के लिए जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अपना ऑफिशियल प्रोग्राम संपन्न करें, उसमें किसी तरह की नारेबाजी और पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री अगर अपनी पार्टी की सभा आयोजित करें वो उनको करनी चाहिए। ये मैं इसके कन्फ्रंटेशन के खिलाफ हूं और मैं इसमें कोई ज्यादा किसी को सीख देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं उस नरेंद्र मोदी को बहुत प्रिय तरीके से देखता हूं। जब वो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में सारे देश में संघवाद का प्रचार कर रहे थे और मैं भी एक विनम्र कार्यकर्ता हूं गैर कांग्रेसी आंदोलन का, जब दर्जनों बार हमने संघवाद के लिए और उस समय की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो गवर्नर को लेकर दुरुपयोग किया था उसका मैं रहा हूं। मैंने कई गैर कांग्रेसी कार्यक्रम किए हैं, तो मैं इसको उचित नहीं मानता कि मुख्यमंत्री का भी अपमान हो और मैं इसको भी उचित नहीं मानता कि प्रधानमंत्री का बहिष्कार हो। बीच में बैठ करके कोई रास्ता निकालना चाहिए उसमें कटुता पैदा करने के। इस सवाल को चुके ये मुख्यमंत्री भी कुछ अलोकप्रिय हो सकते हैं लेकिन कुछ लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं। अब दोनों अगर अपना क्राउड ले आएंगे, कन्फ्रंटेशन होगा, तो ये राष्ट्रीय एकता के जो स्थापित कार्यक्रम है उनके विरुद्ध होगा। मैं खाली इतना कहना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जहां पर बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव है, इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया, ये जो कॉन्फ्रंटेशन शुरू हुआ है कहीं पृथ्वीराज चव्हाण जी सिंपति तो नहीं ले जाएंगे? नहीं, पृथ्वीराज चव्हाण जी के प्रति जो है कांग्रेस के लोगों में भी सिंपति नहीं है। कांग्रेस के सारे विधायकों और सांसदों ने आदरणीय सोनिया गांधी जी के यहाँ जाकर प्रार्थना की थी। नारायण राणे जी तक को सिंपति नहीं है, अशोक चव्हाण जी तक को सिंपति नहीं है। तो सामान्य कार्यकर्ता को सिंपति होना और जनता का सिंपति होना ये तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अपने प्रति जो है कि मैं बहुत बड़ा मोदी विरोधी हूं ये साबित करने के लिए ही आज पृथ्वीराज चव्हाण जी स्वयं कार्यक्रम में गए नहीं, और उन्होंने सुरक्षा का परवाह की, जबकि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री का है, उस दायित्व का भी उल्लंघन करते हुए वो उनके कन्वॉय में जो है लोग भेज दे रहे हैं कांग्रेस के। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो ये है, संघीय ढांचे के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो पृथ्वीराज चव्हाण की हरकत है और उस पर मीम अफजल जी जो है इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे नहीं, इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि मीम अफजल जी को लगेगा कि नहीं कांग्रेस की किसी भी हरकत का जो है उसकी पैरोकारी करना अपना धर्म समझ रहे हैं। तो जब राजनीतिक प्रवक्ताओं की ऐसी स्थिति हो गई है तो फिर आप क्या राजनीति को किस आईने से देखें, कैसे देखें, क्या मापदंड मापे? नागपुर में जो हुआ उसको आप दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे मीम अफजल साहब? बड़ा क्विकली, क्योंकि मुझे शो क्लोज करना है। देखिए मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया है, मैंने बल्कि ये कहा कि वो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे भी या नहीं ये तय करना पड़ेगा। जैसे प्रेम शुक्ला जी ने ये बात शुरू में कही थी कि मोदी जी के जो नारे जिन लोगों ने लगाए वो भारतीय जनता पार्टी के कारकुन थे ही या नहीं थे, ये अभी कैसे तय हुआ? ये तो तय नहीं हुआ। तो जो बात वो कह रहे हैं वही बात मैंने की, उनकी बात में मेरी बात में कोई फर्क नहीं है। मेरे साथ बहिष्कार की साहब, जो उन्होंने कहा है वही मैंने कहा है। आपने बहिष्कार की घोषणा कर दी इसलिए मानना पड़ा ना? नहीं, बहिष्कार की देखिए आपने शुरू किया ना, आप ये समझिए कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जब देख चुका है
कि दो जगह पर ऐसा हुआ है तो कौन सा चीफ मिनिस्टर है जो अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाएगा। आप तो मानोगे नहीं, आपके वर्कर थे, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका क्या है। चलिए, आगे सामने कुछ होता है, पीछे से कुछ और होता है। एक लाइन दीपक जी, नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट करके अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहिए कि किसी भी मुख्यमंत्री अगर आते हैं कोई भी, उनको सम्मान पूर्वक बोलने दें। ये नरेंद्र मोदी को भी करना चाहिए और भाजपा के अध्यक्ष को भी करना चाहिए अपनी ओर से। अगर ये करते हैं तो माना जाएगा कि वो उनका इसमें कोई भूमिका नहीं और एक बेहतर वातावरण बनेगा। चलिए, बड़ी बहस इसी नोट पर खत्म करते हैं। जो सुझाव आया है कि नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि किसी भी मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के अंदर बोलना चाहिए, बोलना देना चाहिए, और एक ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।